serial number in Gondi. I explain it later on. This is sign of gondola. This is a sign or symbol of our gondola. Very important. So see, we gather in this hall called this group in Gondi language, gondola. Group of people in this is a sign or a symbol of our gondola community. So we gather here in a group, is it not? Our Sagha people gather here, or Sagha gathering of these people call as gondola. 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 So one member will be gold. Gold. So one member of from gondola. Define as gold. Gold means gun. You can call in Hindi gun also. Gun. Gun samudaya. Ganda. Ganda samudaya or ganda samudaya. Ganda. Okay, and we are having Sagha system. Undiven, Randven, Munven, Nalven, Seven, Sarven, Yerven, Arven, Narven, Patven, Padundiven, and Parandaven. So we are when. We are alive. That's why we are when. And when we die, we call pain. Dukha. Yeah. Another pain is power also. Pain means power. Pains mean power. Another word. Ancestor, pain. हिंदी क्या हो वेन काम करना हम जीवित है इसलिए वेन है और हमारा जीवन काल समाप्त होने के बाद हम कौन कह ले जाते पेन कहा जाते है ना तो हम 1 से 12 वेन व्यवस्था दी है हिंदी वेन रण वेन रण वेन मुंड वेन Moonvein, Nalvein, Saivein, Sarvein, Yervein, Arvein, Narvein,
पदवें पदवें पदुंदी वेन पदुंदी वेन एंड लास्ट पारंड वेन पारंड वेन। एक से बारह हमारे वेन है, सगा सगा वेन है, तो ये क्या हो गया, गुंडी वेनों का गुंडोला, गुंडी वेनों का गुंडी वेनों का गुंडी वेन गुंडवाना, गुंडी वेनों का गुंडवाना, गुंडी वेनों का मतलब ये हमारा भौगोलिक नाम है गुंडवाना। हमारी जो अवाभिति है गुंडी में, हमारी जो मातृभूमि है उसको कहा गया ओके हमको अगर पूछा किसी ने तो हम क्या कहते हैं, अमोर कोई तो रानो कोई तो आनो। या कोयल ने कल कहा था, कोयल कोयल अमोट कोयल अनोम। हम क्यों स्वयं को कोयल कहते हैं, क्योंकि अमोन अवार बाबूता कोयल का मतलब कोप से फुट सिवाय गण जीवा मान दो है ना। हम हमारे दाई दाऊ के कोया से यानी कोक से जन्म लेने वाले, इसलिए हम कोया तोर है। तोर का शब्द वो बताया था आपको कोया तो, कोया तोर कैसा लिखा जाएगा दादा, अभी हमने पाठ लिया था, ये तुम्हारा होगा कोया और वो ग्रामेटिकल तोर, बहुत इंपॉर्टेंट है ना कोया, या भी गुंडला को बाद में देखेंगे कोया तोर तो। राइट टू लेफ्ट, हम कोया से जन्म आवार बाबू के कोया से जन्म लेने वाले, इससे हम कोया तो रहे, बरोबर है। ये कितना ये हड़प्पा लिपि में ऐसा पढ़ा जाएगा कोया तो ओके हमारे हम कोया है, हमारी भूमिका और एक मूल नाम है कोया मरी या कोई मुड़ी और कोई मुड़ी कोई मुड़ी द्वीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। कोई मुड़ी द्वीप भी प्राचीन काल में कहा गया, गुंडवाना हमारा भौगोलिक नाम है। कोया मरी मतलब कोया संतान, कोया मरी याने कोया संतान, हम कोया वंशीय कोई तो रहे, कोई मरीदीप कोया मरीदीप। और हमारे वेंकटेश असराम जी ने जो नागपुर विद्यापीठ के सदस्य सीनेटर थे, उन्होंने गंड मंदाना ये भी कहा
बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लिया था फिर से लिखिए, दो मिनट रह गया सर, गंड मंदाना, एक मिनट वो मेरा सेंटेंस पूरा, गंड मंदाना, वेंकटेश संतराम जी ने गुंडी संस्कृति के संदर्भ गंड मंदाना यानी जहां गंजू रहते हैं, गंड मंदाना कोया वाना और गंड घरवाना भी कहा है, गंधर्व वाना, गंधर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे कोया लैंग्वेज यानी कोया भाषा के शब्द है, गंड मंदाना यहां उसका अर्थ होता है हम गंजू है, गंजू जहां रहते हैं उनको कहते हैं गंड मंदाना, हम अंग्रेजी में भी लगते हैं लिखते हैं, ये लिख लीजिए गंड मंदाना कोया वाना, से कोया वाना और थर्ड वाली गण भर वाना, गण भर वाना, ये पर्यायवाची शब्द है गण मंदाना कोया वाना गण मंदाना, ठीक है, गंधर्व वाना, गंधर्व वेंकटेश सतराम जी ने गुंडी संस्कृति के संदर्भ ऐतिहासिक संदर्भ ग्रंथ में ये लिखा, वही देखा लंच अटे మధ్యాహ్న భోజనం సమయం తర్వాత మనం చేసుకున్నటువంటి ఈ క్లాస్ లోపల గోండోలా రాసుకున్నారు అందరు, గోండోలా, ఈ గోండోలా అంటే ఈ గోండ్ సమాజంలో కూర్చున్న అందరు కలిసి మనం అందరం కలిసి గోండోలా గోండోలా ఉన్నారు, ఈ గోండ్ సమాజం ఒకరి దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు దాన్ని గోండోలా అని ఉంటారు, అందుకే ఒక్క వ్యక్తిని మనము ఎలా పిలుస్తాం అంటే మన గోండి భాషలో గోండ్ అని పిలుస్తాం, ఒక వ్యక్తి డిఫైన్ చేస్తే ఏమంటది అతని గోండ్ అని, ఒక వ్యక్తి పక్కన అతని ఎవరు గోండ్ అని పిలుస్తాం అని మనల్ని ఉచ్చరిస్తారు, ఎలా ఉచ్చరిస్తారు అంటే గోండోలో ఉండే ఒక వ్యక్తిని ఏమని పిలుస్తారు గోండ్ అని పిలుస్తుంది, అలాగా ఆ గోండోలో ఉన్నటువంటి సమాజంలో ఒకటో గట్టు రెండో గట్టు మూడో గట్టు నాలుగో గట్టు ఐదో గట్టు ఆరో గట్టు ఏడో గట్టు ఎనిమిదో గట్టు తొమ్మిదో గట్టు పదో గట్టు పదకొండో గట్టు పన్నెండో గట్టు, మరి గోండి భాష ఏమంటే ఉంది వేన్ రెండు వేన్ ముందు వేన్ నాలుగు వేన్ సరి వేన్ సార్ వేన్ ఎర్వేన్ ఆర్వేన్ నర్వేన్ వేన్ పడుండు వేన్ పరందు వేన్, ఈ మన గోండి భాషలో మనం వేరంట ఒకటో కొట్టు వాడు బతుకున్నాడా లేదా ఉన్నాడు, రెండో కొట్టు వాడు బతుకున్నాడా లేదా, మూడో కొట్టు బతుకున్నాడా లేదా ఉన్నాడా, నేను నేను చనిపోయిన తర్వాత పెయిన్ అయినా, పెయిన్ అంటే చనిపోయిన వ్యక్తి, ఇవాళ మనం ఏ పని చూసి పిలబడుతున్న వాళ్ళందరూ చనిపోయిన వాళ్ళు, ఏ పని పిలుచుకునే వాళ్ళందరూ చనిపోయిన వాళ్ళు, ఇలా ఆరో గట్ట వాళ్ళు బెరంగోయిన రాజుని ఏపు ఎదుర్కొస్తుందంటే ఆయన చనిపోయిండు, అతను ఎవరు అంటే ఆన్సిస్టర్ పూర్వీకులు, మన పూర్వీకులు ఏపులు అందరూ మన పూర్వీకులు అని, అందుకే మన పడగల మన పూర్వీకులని పేన్ అంటాం, తర్వాత బ్రతికున్న వాళ్ళు ఏం, ఈ బ్రతికున్న వాళ్ళు చనిపోయిన వాళ్ళని కొలుస్తారు, వాళ్ళు నువ్వు చనిపోయిన తర్వాత నీ కొడుకులు నిన్ను ఏపుగా కొలుచుకుంటారు, అది కొన్ని సందర్భాలలో మనం చేస్తూనే ఉంటాం, కాకపోతే అది ఇప్పటివరకు మనకి ఎప్పుడు రాలేదు, అలాగే అప్పుడు ఎందుకే అంటాం అంటే మన అందరినీ కలిసి ఏమంటారు అమోట్ కోయాల్ అంబో, మనం ఎక్కడికి వచ్చాం కోయా అమోట్ కోయాల్ అంబో,
अंत मन को मन अंत गोडवांदर उजर अच्छी वाले अटे को कड़प को गर्भ आ गर्भ जन्मवा अंकने अमोट को अंदो मन चूपी पूर्व सिंधु नागरिक हरप्पा लेदा मोहन जुटारो मन परशुद्ध विद्यार्थी गोरगेल अंदर स्लाट విశ్లేషించి సంస్కృత భాష వెంకటేష్ ఆత్రం గారు మహానుభావులు గోండి భాష మీద చాలా అధ్యయనం చేసినటువంటి వాళ్ళు చిత్రలిపి మీద కూడా అధ్యయనం చేసినటువంటి వాళ్ళు ఆ వెంకటేష్ ఆత్రం గారు ఆయన విశ్లేషించి ఏంటంటే ఈ కోయ గోండ్ గోండ్ సమాజంలో ఉన్న కోయ వారందరూ కూడా గండ్ మందాన అంటే అందరూ కలిసి ఉంటారు వేరు గట్లైనా కలిసి ఉంటారు ఎవరి వాళ్ళు చేసుకుంటారు ఎవరి నేర్పుకోవడం వాళ్ళు చేసుకుంటారు కానీ మళ్ళీ కలిసి ఉంటారు ఈ కలిసి ఉన్నటువంటి సమాజమే ఒకరికొకరు సంబంధం ఉన్న సమాజమే గండ్ సమాజం అని పిలువబడతారు అదే గోండ్వాన గండ్ మందాన అలాగే మనని అదే విధంగా కోయవాన సంస్కృత భాషలో మనం చెప్పారు కోయవాన అలాగనే మన సంస్కృత భాషలో చూసాం చాలా పుస్తకాలలో చదివాం మనని చాలా రకాల వివరించిన వాళ్ళు ఉన్నారు గండ్ గర్వాణ గంధర్వుడు అని మనం చాలాసార్లు వింటుంటాం ఇది కూడా వాళ్ళు కూడా మన దగ్గర నుంచి పోయిన వాళ్ళు వాళ్ళు వివరించారు గంధర్వాణ ఈ మూడు పదాలని వెంకటేష్ ఆత్రం గారు మనకు సంస్కృత భాషలో నుంచి తీసుకొని విభజించి మనకు గోండి భాషలో చెప్పినటువంటి పదం ये हमारे मूल शब्द है ना गोंडी शब्द है गोंडी संस्कृति के संदर्भ का वेंकटेश अत्राम जी के ग्रंथ में ओके भाई वेंकटेश उनके संदर्भ के बगैर कोई भी गोंडी ग्रंथ पूर्ण नहीं होता तो हमारे जीवन में क्रांति आई वेंकटेश अत्राम जी का जो ग्रंथ है गोंडी संस्कृति के संदर्भ हम चांदागढ़ में थे चंद्रपुर में तो उस समय में हमें गोंडी भाषा नहीं आती थी चार पांच वर्ड ही पता थे हमें ज्यादा नहीं आती थी क्योंकि मैं हम आपको लेकर था अगर बगल में गैर गोंडी भाषी लोग रहे 91 में हम चंद्रपुर में महाराष्ट्र में गए तो वहां गोंडी लैंग्वेज गणमंदाना गणधरवाना कोयवाना एंड वन व्हाट ही हैज रिटन देयर रिगार्डिंग अवर कोया लैंग्वेज ही हैज रिटन देयर रिगार्डिंग अवर कोया लैंग्वेज सेस संगत तीर्थता नरनम सेस संगत तीर्थता नरनम बर दर्शता वो हमारे जीवन में बहुत एक क्रांति हुई रेवोल्यूशन हुआ कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा है और ये गोंडी भाषा है गोंडी भाषा जो है वो 550 से आती है और 1000 से लौटती है
550 से आती है और 1000 से लौटती है। समझो मुझे कुछ गुंडी भाषा थोड़ा सा आता है, लिटिल लिटिल। समझो एक सेंटेंस मैंने बोल दिया जरा गुंडी भाषा की तरफ जाके, अना प्रकाश सलाम अन्ना, अना प्रकाश सलाम अन्ना, यानी मैं प्रकाश सलामे हूँ, तो सामने वाले को क्या लगेगा दादा जो ओरिजिनल गुंडी भाषी के कि ये तो प्रकाश सलामे ये सेंटेंस बोल दिया, तो फिर उधर से दादा गुंडी इतनी आएंगे दादा 5-50 हजारों से आएंगे, उसको लगेगा ये गुंडी है, तो फिर वो गुंडी में बात करने लगेगा, है ना, समझे दादा। फिर उस समय हमने सुना दादा वो क्या बोल रहा है मतलब 5-50 ही आती है और 1000 से वापस चलती है। ये सूत्र वेंकटेश सतराम जी ने दिया और फिर हम गुंडी लैंग्वेज स्पीकर एरिया में गए और वो जैसे हमारे मंगाम है, हमारे मड़ावी है, हमारे वीके है, हमारे सुनकर और लिंगों के ग्रंथ हमने बात करे, ये बहुत जरूरी है। जब रीड गो थ्रू योर गुंडी बुक्स यू विल नॉट कम टू नो योर कल्चर एंड योर लैंग्वेज एंड योर हिस्ट्री। तो हमने आज हम देखा है, मुझे तो पूछे है यहाँ कामराम के जो हमारी बच्चे हैं हमारे किड्स है, वो गुंडी कल्चर को जानने के लिए बहुत उत्सुक है लेकिन वाचन संस्कृति लुप्त तो होने जा रही है। हमें अमरावती से कार भर के बुक्स लाए हैं हमारे कार में, भलाई वो हिंदी भाषा में होंगे लेकिन ऐसा ऐप है दादा, लैंग्वेज ट्रांसलेशन ऐप है, तो हिंदी से आप तेलुगु में भी उसको रीड कर सकते हैं, कन्नड़ में भी कर सकते हैं, तमिल में भी, एनी लैंग्वेज वो ऐप्स है। तो मुझे आशा है हमारी जो बच्चियां हैं पार्टिसिपेंट है वो एट द एंड ऑफ दिस वर्कशॉप दे विल परचेस बुक टेक इन बैक साइड रूम, ओके। तो वाचन संस्कृति हमारी बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, एक जैसा हमने एक बहुवचन के बारे में लिखा था दादा, ये गुंडोला है यानी हमारा समुदाय, अवर ग्रुप, अवर कोया कोई ग्रुप, ये गुंडोला का चिन्ह है। और अफ्रीकन कंट्रीज में भी देखिए उनके हाथ में ये ऐसा एक ढाल टाइप होता है, ये जो गुंडोला, अभी इसको गुंडोला कहा गया है, गुंडोला पूर्व में पता है यानी समुदाय, गुंडोला यानी समुदाय। तो यहां कितने है दादा गुंडोला, 2 नंबर गुंडोला, 2 नंबर है, तो 2 के लिए फॉर 2 रहे, तो इसको कैसा कैसा पढ़ेंगे ज्यादा फिगर नंबर में, इर गुंडोला, इर गुंडोला, ठीक है। और एक उदाहरण देता हूं आपको, ये जैसे ये क्या है दादा, पार्टू, पातू है, पातू, पातू मीन्स डोंगा, हिंदी में कहेंगे या बोट, इंग्लिश में कहेंगे बोट, यहां अभी 2 बोट है, 2 नंबर ऑफ बोट, तो इसके क्या कहेंगे दादा, इसको जैसे ईर गुंडोला कहा गया है इसको क्या, ईर पातू, हाँ राइट, ईर पातुंग, यानी बहुवचन के लिए अगर जो दो पिक्टोग्राफ देखते हैं तो उसके लिए ईर, ईर गुंडोला, ईर पातुम, यानी 2 नाम, ठीक है। तो हड़प्पन में समझो समझ लेना, रिपीट रिपीट 2 चिन्ह आ रहे हैं पिक्टोग्राफ करे तो उसको ईर, ठीक है, ईर गुंडोला, ईर पाता, ऐसे बहुत सारे उदाहरण, वहां कंफ्यूज नहीं होना है।
बस उसके लिए दो दिखे चिन्ह, तो उसको ए गुंडोला या जो भी पिक्टोग्राम था हम उसको मतलब हमारे इसमें दादा व्याकरण भी है, एक वचन है, बहुवचन है हमारे हड़प्पन पिक्टोग्राफ में, और व्याकरणिक चिन्ह है, मतलब ये हमारी कोया लैंग्वेज या हुंडी लैंग्वेज परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, उसके स्वयं के मूल धातु है, मूल धातु है हमारा। ओके अभी हम यहाँ पर बैठे हैं दादा, हमारे सगा दाई दाऊ मातृ पितृ शक्ति बैठी है यहाँ इस वर्कशॉप में 3 दिवस, और वी गैदर हियर ऑर्डर मान दिस स्क्वायर ऑर्डर मांडी, मांडी यानी बैठक, कम्युनिटी मीटिंग यू कैन से इन इंग्लिश, कम्युनिटी मीटिंग मांडी, दिस इज मांडी, ओया मांडी, ओया मांडी, यू कैन ओया ओया मांडी, ओया मांडी एक परफेक्ट वर्ड है, ओया गुरु की मांडी है, सगा बहनों की मांडी है, यू कैन से क्योंकि हम वेन व्यवस्था ले रहे हैं 1 to 12 सार सगा मांडी, हाँ सगा मांडी, और एक पर्यायवाचक शब्द दादा ने बोला सार सगा मांडी, हाँ सगा मांडी, सगा मांडी, सार्वेन सगा मांडी, हाँ उंदी मतलब उंदी बेन 1 से 12 इसको क्या कहते हैं, इसको सगा, हम जो बैठे हैं ना तो सगा, ये सगा सगा मांडी, कोया कुलीन के 5 वंदनीय तत्व है ना, एक सगा यानी हमारा पूरा कम्युनिटी, सगा मींस अवर कम्युनिटी, 750 गोत्र युक्त। दूसरा है दादा पुनेम, पुनेम मीन्स ट्रू पास्ट, ओया पुनेम, ओया पुनेम, ट्रू पास्ट कॉल्ड एज ओया पुनेम, एनिमिस्टिक वे ऑफ लाइफ भी कहा जाता, मतलब जीववादी जीवन मार्ग, एनिमिस्टिक वे ऑफ लाइफ, एनिमिस्टिक वे ऑफ लाइफ अंग्रेजी में, इन इंग्लिश हिंदी में कहेंगे जीववादी जीवन मार्ग, you are the human mind, animistic way of life, LFE last, LFE no no yes last last line likha hai aapne, life animistic way of life, yes hamare dada itne keen hai, matlab kitna dhyan hai dada unka, jisko kya sukshma nirikshan aur participation called as education, माइक्रो ऑब्जर्वेशन और लिखूंगा मैं माइक्रो माइक्रो ऑब्जर्वेशन एंड पार्टिसिपेशन, आप माइक्रो ऑब्जर्वेशन भी है और पार्टिसिपेट भी हो रहे हैं, तो हिंदी भाषा अगर सीखना है, बहुत सारे लोग ब्लेम करते हैं दूसरों पर, हमें किसी ने हिंदी भाषा सिखाई नहीं, लेकिन ये सिखाई नहीं, ये आपका फॉल्ट है,
आपका दोष है, हमारे माँ बाप ने हमको गुंडी भाषा सिखाई। अरे क्या, अरे तुमको जन्म दिया उन्होंने, माँ बाप ने अवाल बाबू ताल गोया ताल कुछी वाया कोई तो रांधे। अरे आप गुंडी भाषी क्षेत्र में जाइए, गो टू दोज पीपल स्पीक गुंडी, वहां उनसे सीखिए गुंडी भाषा, डोंट ब्लेम टू अदर। और सेकंड पार्टिसिपेशन, सहभागिता, पार्टिसिपेशन कॉल्ड एज एजुकेशन, एजुकेशन। हमारे हम मरलावाई में गए थे तेलंगाना के धुमकुमराम डिस्ट्रिक्ट में, तो फ्यूरर ओन हेमंत राव और उनकी जो मिसेस है एलिता बेट्टी, वर्धांति दिवस था, स्मृति दिवस, तो वहां पे डॉक्टर चंदू तोड़साम से अली ब्रिज चैनल पर इंटरव्यू हुई, तो उस टाइम में उन्होंने ही मेंशन ओन हेमंत राव वर्ड, तो गुंडी भाषा भी सीख सकते हैं। तो ठीक है, कोया कुने के पांच वंदनीय तत्व, फाइव इंपॉर्टेंट, ये वंदनीय तत्व है। एक है सगा, यानी है हमारा समुदाय, दूसरा है पुणे, तीसरा है गोटुल, गोटुल हमारा शिक्षा का केंद्र, शिक्षा केंद्र, शिक्षा यानी यहाँ पे एजुकेशन बोले थे, लर्निंग सेंटर, लर्निंग सेंटर मतलब उम्र 3 से 18 तक और एजुकेशन से वहां पर एजुकेशन सेंटर, मानसिक बौद्धिक और शारीरिक विकास हो, इसके जो ट्रेडन पाथ है एजुकेशन सेंटर मुन। हाँ यस, एजुकेशन मुन शुन सभी है, मृक्ता सभी है। देखो हमारे जो फ्लैग होते हैं दादा, आप तेलंगाना में चले जाइए, व्हाइट फ्लैग होते हैं, वो ट्रिडेंट होते हैं, त्रिकोण ही होते हैं, जैसे हमारा हमारी दाई है दादा समक्का सार लम्मा, तो वो जो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मैंने फ्लैग देखा, वो बुक लिखा है मेरे ख्याल से महिपति के जो छोटे भाई उन्होंने लिखा है, महिपति अरुण उन्हें लिखा है, हाँ महिपति ने भी लिखा, हाँ उन्हें उन्हें लिखा, हाँ उन्हें नहीं लिखा है। तो वो जो फ्लैग था दादा वो कैसा था दादा, ट्रायंगुलर था, ट्रायंगुलर फ्लैग था, और उस पर क्या क्या देखे हमने, हमारे जो जीव जंतु है, वनस्पति है, प्राणी है, और हमारा उस समय का जो जीवन जीवनमान था वो भी है, हत्ती है, हत्ती पे बैठे हमारे एंसेस्टर बैठे हैं वहां पे हमारे पुरखे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दादा भूटुल, तो हम समझते दादा ये कामराम ग्राम का ये जो ये बिल्डिंग है ये नथिंग बट भूटुल है, हमारा पवित्र पावन स्थल है भूटुल, गोमोटुल यानी हमारे जो पुरखे थे पानी पारी पार लिंगों ने ग्राम ग्राम में विलेज विलेज में ये गोटुल बांध के आंध्र प्रदेश के हमारे जंगल में रहने वाले पहाड़ी इलाका में रहने वाले ये गोटुल व्यवस्था को भी एस्टेब्लिश करें। झोपड़ी रहेंगी तो चलेगा, झोपड़ी रहेगा तो भी चलेगा, 3 कमरा का होता है गोटुल, उसमें हमारे गुंडी पाटांग है वहां संकलन संकलन किया जाए। हमारी केंद्रीय विद्या है दादा, आजकल केंद्रीय विद्या वाले बहुत कम बचे हैं दादा, हमारे जो पाटाड़ीगन है, हमारे राजनिंग है, हमारे पानाल है, वो अभी 70-80 साल के हो गए, वो चल रहे, वो हमारा उनका जीवन कार्य खत्म हो गया। लेकिन जो नई पीढ़ी है उनाल मावा कोया वेंट मंदा वे आगे केंद्रीय विद्या में कौन पिया लगा, केंद्रीय बजाना भी सीखना होगा, गाना भी गाना होगा, हमारा जो साहित्य मुखोद्गत है हमारे सगा दाई दाऊ में बुजुर्ग में दाई दाऊ के मुखोद्गत है, उसको लिपिबद्ध किए करे, छोटे छोटे किताब निकालेगा, ज्यादा बड़े नहीं, 10-15-20 रुपए का किताब होना चाहिए, 4-5 पाटा उसमें रहे या 10 पाटा रहे, वो ये
संकलन कीजिए और उसको लिखिए छोटी छोटी किताब, ठीक है, तभी हमारी संस्कृति जिंदा बचेगी। चौथा है, फोर्थ वन है दादा हमारा जो भूमिका है, भूमिका यानी हमारा पुजारी जो कंडक्ट करता है कोया कुनिम की पूजा, यू कैन से भूमिका टू प्रकाश सभा बिकॉज टुडे वी कंडक्ट ए मुठ पूजा। मुठ में शक्ति होती है, पावर होती है, भूमिका भूमिका। तो और एक चीज बताता हूँ आपके गांव में भूमिका लाइट पुजारी पढ़ना कौन है जो को संदर्भ के बारे में कैसे आती है आपके तरफ तो आनंदाम जी देवारी कटोरा है कटोरा देवारी 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 भी कटोरा फिर मगर फिर मजा इधर क्या बोलते हैं फिर मजा पीर मजा स्पेलिंग पी आर ई ए पी पी हाँ पी आर ए एम ए एम ए आई एच फिर मजा आई ए एच फिर मजा अगर समझो दादा मान लो बहुत इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ अगर भूमिका भी अवेलेबल नहीं है अभी तो आप क्या करेंगे नहीं एक हाँ एक बात बता तो उसकी जो मिसेस होती है दादा वे लोग माइक्रो वो भी कंडक्ट कर सकती है दादा इतना पावर उसको दिया है उसकी जो मिसेस है उसको क्या कहते हैं दादा भूमके भूमके हाँ लेडी श्री रूप वो भी कंडक्ट कर सकती है दादा और ये हमारा वंदनीय तत्व है एक सगा हो गया उनेम हो गया टोटल हो गया भूमका हो गया और एक पांचवा कौन सा रहा मंगम जी मंगम जी तो बताए और पांच का पांच वंदनीय तत्व है पांच फाइव फाइव तो अगर ये ऐसा नहीं रहा सत हाँ मोद वेड़ची नहीं मोद वेड़ची तो ये साहित्य किस लिए है दादा पढ़ने के लिए अगर समझो मैं भूल गया था किसी का ये हमारा लिटरेचर है साहित्य कभी मरता नहीं इसलिए हम हरदम कहते हैं कि गुड़ी साहित्य के ग्रंथ आपके घर में होना 50 रुपए का रहो 10 रुपए का रहो या 5 रुपए का भी या 5 रुपए का भी रहेगा चलेगा घर में को पंखा लाओ वंदी नियम 176 किताबों में तो है ही है पाठों में ये देखो मुखा आखिरी का तत्व है नजुरेंडे गोंडी पुरे धर्मालो गोंडी पुरे धर्मालो ये उन्हें सुना आई आई तो गोंडी पुरे होता धर्मालो गोटू हो गया सगा हो गया गोटू सगा उन्हें पेन कड़ा माफ कीजिए मुझे पेन कड़ा करेंगे दादा पेन कड़ा जैसे हमने बोला था पेन कड़ा में जाना है अपना सलामी का इंजापुर में वहां चले जाना मंगम जी आपका कहा है पेन कड़ा सलम डोबे कहां पर तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट सिरपुर यू कुमरम भीम जिला सिरपुर और पांचवा है देखो कुछ समय के लिए मैं भूल गया था दादा माफ कीजिए ये पांच को वंदनीय तत्व का ये पिनकड़ा भूल गया था दादा तो ये मेरे पास एक किताब होने से मैंने फटाक से किताब निकाला और वो जो भूल गया था एक पिनकड़ा
वंदनीय पोयम म्हणजे फक्त ओ आणि श्याम. तो ठीक आहे, मुठवा अभी मुठवा या मुठवा या भूमका मुठवा और भूमका. तो दादा ये भूमका इसको पूरा नॉलेज होना चाहिए, हमारा पोया कुनिम का नॉलेज होना चाहिए. बहुत सारे लोग भूमका तो बन जाते लेकिन गुंडी भाषा नहीं आती. चपा ला गुंडी भाषा ना आना है आपका दोस्त नहीं, तो उसको सीखो, आत्मसात करो. गुंडी लैंग्वेज कोया लैंग्वेज एक साल लगेगा, दो साल लगेगा, तीन साल लगेंगे, चार साल लगेंगे, पांच साल लगेंगे, मुझे तो दस साल लगे दादा गुंडी भाषा सीखने के लिए, लेकिन सीखा. टूटी फूटी ही सही सीखो. ओके वेंकड़ा अंटे तलम देवस्थान तलम तलम मन तलम मतलब वर्षा में की जहाँ वैशाख पूर्णिमा में होता है दादा वैशाख महीने में एल्प तलम సందర్భాన్ని బట్టి ఇది కూడా చేయొచ్చు. ఏమున్నాయి ఇది గొట్టులు కదా అదే దాదాతో బయటే సగా దై గౌ తీసుకోకైతే మాంది ఏ స్టోర్ కే రూప్ బాయ్ మాంది బయట అది ఇరియా బిల్డింగ్ కా ఐసా థోడా సా లంబా హై కొయ్ బాత్ ఇస్కో కైతే ఆర్డర్ మాంది. This is sign of open space of the courtyard of the house which can be read as Mandi. Gundi, Mandi in Gundi means meeting. Mandi means meeting. Earlier I have mentioned community koya meeting, community sagar, sagar meeting you can say. Okay. Now inside this open space there are four lines, right? It is a four unit courtyard sign which can be read Mandi Ma. It is a four unit courtyard sign which can be read Mandi Na. अभी देखिए ये स्क्वायर को क्या दी स्क्वायर कॉल्ड है मांडी ओनली स्क्वायर दी स्क्वायर कॉल्ड है मांडी. ओके एंड इनसाइड ये क्या हो जाएगा दादा मांडी प्लस नाम मांडी प्लस नाम Mandi Na. Mandi plus Na equal to Mandi Na. Mandi. Please sir. सर है कुछ आराम से लिखिए. अगर आपका लिखना ना तो आपको बोलिए दादा कि रुकिए स्टॉप मैं स्टॉप हो जाऊंगा.
गुंडी में अर्थ होता है नाल, नाल मतलब होता है सी सी, और अंग्रेजी में फ्रॉम। गुंडी में नाल, मांडी नाल मतलब बैठक से, मांडी नाल में मांडी नाल, मांडी नाल क्या लिखा है, मांडी नाल यानी फ्रॉम, इधर अंग्रेजी में लिखेंगे फ्रॉम मीटिंग, फ्रॉम मीटिंग, और इधर हिंदी में बैठक से, बैठक से मांडी नाल। अरे मांडी नाल ना बाड़ी बात होती, मतलब मैं सभा से बाहर आ गया, से बैठक से मीटिंग ऐसा होती, या और सभा से फ्रॉम, सभा के लिए क्या बोलेंगे ना, कॉन्फ्रेंस रूम, कॉन्फ्रेंस फ्रॉम कॉन्फ्रेंस, फ्रॉम कॉन्फ्रेंस, अरे फ्रॉम कॉन्फ्रेंस, सभा से या बैठक से, ठीक है, ओके। नाउ क्लियर एवरीबॉडी, राइट डाउन, ये आवाज कैसा आ रहा है, पक्का बोल, ठीक है, समझ गए, लिख लीजिए, चलो थोड़ा ठीक कर लेते हैं, चार ठीक ब्रेक पर कितने बजे है, अभी बता दीजिए मुझे, 4:20 ठीक है, चाय आ बेटे, हां चाय का ऑफिस का फिनिश है, ठीक है, यो ठीक है, कैमरे के वजह से उसका अंदर अंदर फैन है ना, हाँ अदस्त बताऊंगे, मांडी ना बैठक से या सभा से, inside this courtyard, उंडी, रण, मून, नारु, सयु, सारे, मांडी, मांडी, this called मांडी, मांडी, this only open space or as मांडी। Now, मांडी सा, ये सिर्फ के लिए क्या शब्द है जरा कोया में, सा सा सारिया सा 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 बस ये हिंदी रॉड मून नालो सयुक सा सा, तो फिर ये क्या होगा, मांडी सा
ओके आंधी प्लस टा इज इक्वल टू मांडी सर का अर्थ बैठक का मुखिया मांडी सर मीन बैठक कॉन्फ्रेंस चीफ क्या कहेंगे दादा इधर इंग्लिश में कॉन्फ्रेंस चीफ चीफ बैठक का मुखिया हिंदी में बैठक का मुखिया बैठक का मुखिया हमारे मांझी चीफ कौन है दादा ये कॉन्फ्रेंस हॉल के ये सेंटर का चीफ कौन है दादा नाम नेम ये हमारे सामने बैठे हैं तो ये कौन है मांझी साहब हिंदी में भी लिखता हूं मतलब कॉन्फ्रेंस चीफ मांझी साहब देखिए रवि इसको देखे कि आपके दिमाग में आना चाहिए मांझी साहब मांझी साहब है ना ये कितना फिट बैठता दादा ये ओपन स्पेस को मांडी कहते हैं उंदी रर मो नारु सयु सारु मांडी मांडी प्लस सार मांडी सार का अर्थ अंग्रेजी में कॉन्फ्रेंसिव हुंडी में मांडी सार और हिंदी में बैठक का मुखिया और अंग्रेजी में कॉन्फ्रेंसिव ये ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत दिमाग लगाया था आपको बहुत इजी लग रहा है दादा है सम इजी वे आई एम टीचिंग यू बट ये योग इसको कोई नहीं पढ़ सकता है धरती पे मोतीराम गंगाड़े जी ने पढ़ा और वो हमारे कोया कम्युनिटी के सदस्य है ये हमारे लिए फख्र और गौरव की बात अतः अभी ये हो गया सबने लिख लिया मांडी सर जी लिख लिया तेलुगु में ओके वो बोलते थोड़ा सा भी रेस्ट करते हैं मतलब वो हमारे भांजे है तो बोलते मामा जी यू कैरी ऑन ओके और अभी और बहुत इंटरेस्टिंग है दादा अभी इसके अंदर सेवन यूनिट है बूंदी रण मून नालू सयू सारून यानी ये सेवन है ये ओपन के लिए मांडी तो ये क्या होगा दादा मांडी बोलिए ना सेवन के लिए क्या शब्द है मांडी ये मांडी ये सेवन के लिए ये उंडी रण मून नालू सयू सार ये मतलब ये क्या होगा दादा मांडी प्लस ये मांडी प्लस ये ये यानी क्या होता है दादा मंदिर पानी भी होता है वाटर मींस वाटर मींस वाटर पानी पानी वो एक हिंदी में शब्द है दादा सभा जल पान सभा या बैठक जलपान है ना हिंदी में शब्द है ना सभा जलपान जलपान का समय कहा गया याद रखिए सभा जलपान यानी बात पानी गिनी चाय पानी तो अभी सभा जलपान का समय हो रहा है दादा चाय पीने का मतलब सभा जलपान मानिए बोले तो सभा जलपान मानी ये यानी सभा जलपान सभा जलपान मांडी मांडी प्लस ये सभा मांडी ये मांडी ये
सभा जलपान, मुझे लगता है अभी थोड़ा सा सभा जलपान का समय हो गया है यादव जी, शासन जी का माननीय कर देंगे अभी टाइम फॉर माननीय टाइम फॉर माननीय। ओके మీరు మాందియర్ చెప్పరా కాయ పుణ్యం ఐదు తెలుగులో చెప్తారా చెప్తారు దాదా అవి సాంగ్ డ్రైవర్ అందరం సురయా పంఖా వగేరు నాన్ వెజ్ ओके అర్థమైంది కదా క్లియర్ గా ఇస్తా ఏడు ఇక్కడ స్క్రిప్ట్ అస్కోపోలా రిటైల్ లో కూడా మీరు రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఏమన్నారు ముందు ముందంటే మండి కదా మండి మాంది మాంది ఓకే ప్లస్ ఏ ఒంటి రెండు మూడు నాలుగు సార్ ఆర్ ఏడు ఇప్పుడు